खरगोन के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर सिद्धनाथ महादेव मंदिर में आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर विशेष पूजन अर्चन शुरू किया गया। मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग काउंटडाउन शुरू होते ही जगह जगह अब पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। चंद्रयान की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग सहित समुचे मिशन को इसरो की प्लानिंग अनुसार सफलता प्रदान करने की भगवान सिद्धनाथ महादेव से प्रार्थना भी की गई। अगले कुछ घंटों में बुधवार की शाम तक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रचेगा, भारत का विश्व में डंका बजेगा। भारत सरकार के महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए खरगोन के अधिष्ठाता भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव के 400 वर्ष अधिक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आज प्रार्थना की गई है, मनोकामना मांगी गई, क्या कहना चाहेंगे? हमने सिद्धनाथ महादेव बाबा से यह प्रार्थना करी कि जो ये हमारा चंद्र अभियान के लिए हमको पूर्ण सफलता मिले, हमारा तिरंगा लहरा है। हमने बाबा से ये प्रार्थना कि हमको हमारा को सफलता मिले, हमारा तिरंगा लहरा है। शिवडोला के लिए भी हमने बाबा से निमंत्रण करा, हमारा शिवडोला बड़ा धूमधाम से निकले। मतलब पूरे हिंदुस्तान में खुशी, बाबा के नाम से हमने तो यही निवेदन किया, सबको खुशी लहरा है, हमारा तिरंगा लहरा है। बाबा क्या नाम है? नवनीतलाल भंडारी। शिवरत्ना पाठ किया गया है, क्या मनोकामना मांगी? हमारे खरगोन के अधिष्ठाता भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव, जिनका शिवडोला देश में सर्वप्रथम सबसे बड़ा स्थान रखता है, उनके चरणों में आज हमने जो भारत के वैज्ञानिक संस्थान इसरो द्वारा जो मून मिशन भेजा गया है चंद्रयान 3, उसका जो कल लैंडिंग होने वाली है, तो उसकी सफलता के लिए हमने आज भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव जी, जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजित है, उनसे आज हमने प्रार्थना की है कि वे चंद्रयान मिशन को सफलता प्रदान करें। और यही कामना हम सब समस्त जो मंदिर समिति के और शिवडोला समिति के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी की गई है, नगर के श्रद्धालुओं द्वारा भी निरंतर भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि भारत माता का मस्तक जो विश्व में सबसे ऊँचा हो और हमारा तिरंगा चंद्रमा की धरती पर लहराए, इसी कामना के साथ चंद्रयान मिशन को सफलता प्रदान करें। और जो इसरो की मंशा है, आगे के भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनमें भी 100% सफलता प्रदान करें, यही हमने आज भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव से प्रार्थना की है। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रकाश भावसार। आपने ये पूरा प्रोजेक्ट भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है कि जो साइंटिस्ट की बहुत मेहनत करी है चंद्रयान 3 बनाने में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई है, जैसे लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसमें 1916 केजी का फ्यूल आ सकता है। इसका जो ये जो है ये 400 केजी तक का वजन ले सकता है। जब ये स्पेस में याद हो माने अंतरिक्ष में, तो इसमें बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ थी वो लगी है, क्योंकि चूँकि आप देख सकते हैं वो जो कोन है, वो जब वो पहली बार स्पेस में गया तो धीरे धीरे उसके सभी पार्ट्स अलग हुए, और तो और जब ये और इसकी अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहा था, तो इसको अर्थ की ऑर्बिटिंग में टोटल 17 दिन लगे, और 17 दिन के बाद ये मून के ऑर्बिट में गया, और फिर जब ये मून के ऑर्बिट में गया तो इसका जो प्रपल्शन मॉड्यूल है वो अलग हो गया उसके बाद। और प्रपल्शन मॉड्यूल का वर्क ये रहता है कि वो जो लैंडर है उसे चला सके फिर जब तक मून के ऑर्बिट में प्रपल्शन मॉड्यूल, फिर जब वो जब जो लैंडर है वो मून पे जाएगा तो वो 90° के एंगल से लैंड करेगा, और फिर वो जो रहेगा जो रोवर रहेगा वो मून की सतह पर जाएगा, फिर मून की सतह का जो प्रयोग रहेगा वो सब करेगा वो। और लैंडिंग को लेकर जो है कितने आसान भी थे, जैसे कि 95% मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और हमारे स्कूल के सभी टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो सॉफ्ट लैंडिंग करे, और अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि साउथ पोल में आज से पहले तक किसी ने लैंडिंग नहीं करी है। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? सोमिल जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।